स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। ये नोटिफिकेशन है क्लास एट्थ में एडमिशन के लिए। जी हां, भारत की सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून की, जी हां, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल है, जो है देहरादून में स्थित है। इसका ये नोटिफिकेशन है। और ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है पूरे भारत में, लेकिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अलावा देहरादून में एक राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज के नाम से भी एक जानते हैं, जो इसमें क्लास 8 से या क्लास 8वीं से, कक्षा 8वीं से एडमिशन होता है। और इसका जो मेन फोकस है आर्मी में, नेवल में, ऑफ एयरफोर्स में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन करना। तो NDA के लिए जो तैयारी करवाते हैं इस स्कूल में, जिसको डिफेंस में जाना होता है उसके लिए बेस्ट स्कूल है। क्लास 8 में इसका एडमिशन होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम आपने सभी ने सुना है। तो इसके जो स्टूडेंट है 80%, जी हाँ 80% इसके स्टूडेंट NDA में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका कैंपस 40 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही शानदार बोर्डिंग स्कूल है और 1922 से ये इस्टेब्लिश्ड है। तो जानते हैं इसके प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, www.rimc.government.in पर, ठीक है। वहाँ जाके ऑनलाइन पेमेंट करके, या आप खुद भी जाके वहाँ से 600 रुपये पेमेंट करके या DD बनाकर इसे आप घर पर मंगवा सकते हैं या ले सकते हैं। और उसके बाद आपको फॉर्म, जी हाँ फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसके डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अब क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है उसे जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? तो राजस्थान में, तो ये जयपुर में आयोजित हो रहा है। साथ ही साथ जिस स्टेट में, उस स्टेट की कैपिटल में हो सकता है। बाकी आपको प्रॉस्पेक्टस को डाउन मिलने के बाद ही पता पड़ेगा कि किन किन सेंटरों में ये हो रहा है। अब जो इसमें एज क्राइटेरिया है, अब यानी सातवीं कक्षा में, यानी 7th क्लास में बच्चा परसुइंग यानी पढ़ता हुए होना चाहिए, ताकि जो 8th क्लास नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट हो जुलाई से, उसमें वो 8th में जा सके। अब एज क्राइटेरिया है 1 जुलाई 2023 को 11.5 से 13 साल का हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी 7th क्लास में पढ़ते होना चाहिए और 7th क्लास पास कर लेना चाहिए, ताकि वो 8th क्लास में RIMC में चला जाए, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ आप इसकी वेबसाइट www.education.rajasthan.government.in पर भी देख सकते हैं। इसी तरह हर राज्य की अलग अलग वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अब इसकी सीट होता है, और राजस्थान की शायद एक ही सीट है, UP की 2 सीट हैं। बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में हम जाएंगे तो इंग्लिश में 125 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स का पेपर 200 मार्क्स का, GK 75 मार्क्स का, और जो बाय वॉइस यानी इंटरव्यू तरह का एक होता है 50 मार्क्स का। जो रिटर्न निकालेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं का बाय वॉइस होगा और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी क्लास 7 पास चाहिए 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो एक रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मेडिकल भी होगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय मिलिट्री इंडियन कॉलेज गहरी कैंट देहरादून उत्तराखंड में ये स्थित है, 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ओलंपिक स्टेडियम जैसी फैसिलिटीज़ हैं, और बहुत ही प्रतिष्ठित मिलिट्री स्कूल है। 80% इसका रेशियो रहता है NDA एग्जामिनेशन में, ठीक है। और जिनको आर्मी में ऑफिसर बनना है उनके लिए बेस्ट है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें? बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल्स, और जो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो वो, और बाकी आपके ये डॉक्यूमेंट। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी इसे मंगा सकते हो और बाई हैंड भी इसे मंगा सकते हो। इसे कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म, और आपका रिटर्न एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 3 दिसंबर 2022 है। उसके बाद आपका इंटरव्यू, अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो राष्ट्रीय RIMC, ठीक है, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स थी। भारत के सबसे बेस्ट रेसिडेंटल स्कूल हैं, अपने डिफेंस में जिनको करियर बनाना है उनके लिए बेस्ट स्कूल हैं। तो RIMC के बारे में जानकारी है।
आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारा एक ही उद्देश्य है, जानकारी के अभाव में किसी भी युवा के साथ नॉलेज की कमी ना रहे। जानकारी के अभाव में बहुत से युवाओं के सपने बिखर जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, ऐसी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाए जो उपलब्ध नहीं होती। तो हम हर उस वीडियो को लाने की कोशिश करते हैं जिस पे बहुत कम उपलब्धता रहती है। कोशिश करेंगे हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।